खुश रहो, आपका स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। आज से बदल गए हैं 8 नियम और आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। तो चलिए जानते हैं 8 नियम कब बदले हैं और क्या क्या हैं ये नियम। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और ये नियम जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। तो गाइस, बहुत सारे नियम सितंबर से बदले हैं और आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने जा रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान से सुनना है कि क्या क्या नियम बदले हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक में काफी ज्यादा नियम बदले हैं कि अगर आप लोग विदाउट लाइसेंस जा रहे हो और या तो आप कोई गाड़ी ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, दारू पी के गाड़ी चला रहा है, या तो कोई छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है और या उसके पास लाइसेंस नहीं है या उसके पास पेपर्स नहीं है, इनके सब जुर्माने जो थे कम से कम 500 रुपए से 1000 रुपया था अलग अलग, और हेलमेट का भी ये सब चीजें था, पर अभी वो बदल के 10,000 रुपया कर दिया गया है। और अगर कोई पहली बार ऐसा हाई स्पीड चलाते हुए इंसान पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना और साथ के साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। और अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाता है तब उसको 2 साल की जेल और साथ के साथ 15,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और जो छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं उनका जुर्माना 500 रुपए था, पर अभी वो बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया गया है। वैसे तो अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई भी छोटा बच्चा ऐसा गाड़ी चलाता है जो एक्चुअली में मेजर नहीं है तो उन लोगों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और वैसे भी सरकार ने इसके ऊपर सख्त कदम उठाए हैं। और उसी के साथ अगर दूसरे की मैं बात करूं तो जैसे कि अब आपके मोबाइल में कैशलेस के होने के लिए पेटीएम, भीम और काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन थी जिसके लिए आप आसानी से अपने फोन से ही आप ट्रांसफर कर सकते थे पैसा, तो उसके ऊपर भी ये कानून लागू कर दिया गया है कि अगर आपके उसकी KYC कंप्लीट नहीं है तो आज से सितंबर से आपका वो एप्लीकेशन सब बंद हो जाएगी। तो आपको अगर चाहिए तो जल्द से जल्द जाके अपने फोन, अपने पेटीएम की, फोन पे की आप KYC कंप्लीट करवाइए, नहीं तो वो नहीं चलेगा। उसी के साथ अगर आपने ITR का जुर्माना नहीं भरा है, टैक्स नहीं भरा, तो आपको इस वक्त 1,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। और वहीं पर अगर आपका ITR 1,00,000 से ऊपर है तब आपको जुर्माना 5,000 लग सकता है। और उसी के साथ बहुत सारे लोग अगर ट्रेन की टिकट्स वगैरह ई टिकट्स बुक करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करते हैं, तब उसके ऊपर पहले सरकार ने टैक्स वगैरह नहीं लगाया था, पैसे नहीं बढ़ाए थे और बोला जा रहा था कि इसके ऊपर पैसे बढ़ेंगे, तो अभी सितंबर से उसके ऊपर भी पैसे बढ़ गए हैं। तो अभी अगर आप रेलवे स्टेशन जाके बुकिंग करवाते हो तब आपको पैसा कम पड़ेगा, पर अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो जैसे जर्नल की होगी, 2 टायर की होगी, AC की होगी, तो उस पे आपको कम से कम 20 रुपए से 40 रुपए ज्यादा पड़ जाएगा टिकट्स के ऊपर। आपने वैसे इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, इंश्योरेंस एक्चुअली आदमी का होता है, गाड़ियों का होता है, और उसी के साथ अगर कोई भी ऐसी कुदरत की मार हो जैसे कि कोई भूकंप आ जाए या कुछ ऐसी आंधी आ जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो जो कुदरत की मार से हमारी गाड़ियों को या घरों को या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देती थी, पर अब भी इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए भी ये काम कर रही है और वो भी बहुत जल्दी लागू होने वाला है, मतलब कि लागू हो चुका है। और अब भी अगर कोई भी ऐसी भूकंप से मार के आपकी गाड़ी प्रॉब्लम में जा चुकी है या गायब हो चुकी है या खत्म हो चुकी है तो उसकी वजह से आपका उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उसी के साथ किसानों के लिए बहुत ही एक खुशखबरी है, जो किसान अपना क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं उनकी जो फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा आसान कर दी गई है, और जो भी उनको बनवाना है तो वो उनका क्रेडिट कार्ड उन तक 15 दिन में पहुंच जाएगा। और तो और जो टैक्स वगैरह भरने हैं सरकार ने, मोदी सरकार ने सितंबर से आज के दिन से ही स्टार्ट करके 30 दिसंबर तक वो कर दिया है, और अगर आप इसके बीच में नहीं भरते हैं वो टैक्स तो आपके ऊपर और से और कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप इन दो महीने के पीरियड में आप उस टैक्स को भर देते हो तो आपके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, आप आसानी से अपना टैक्स भर सकते हैं। इसी के साथ SBI ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, अगर कोई भी SBI से होम लोन या ऑटो लोन लेता है उस लोन को रेपो रेट से जोड़ दिया गया है और वो लोन आपको इश्यू हो जाएगा 59 मिनट में, और उसमें जो देने वाला जो टैक्स रहता है वो भी आपको काफी ज्यादा कम पड़ेगा।
तो गाइस बहुत सारे चेंजेस आए हैं सितंबर में, फर्स्ट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो काफी लोग इस चेंजेस से खुश भी होंगे और काफी सारे लोग दुखी भी होंगे, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस ने ये सब चीजें की है वो एक्चुअली सेफ्टी तो है, और साथ के साथ बहुत सारे लोग ऐसे ही इन सब चीजों का उल्लंघन करते, तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी और आपके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई चलेगी अगर आप हेलमेट नहीं पहन के गए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास गाड़ी के पेपर्स नहीं है, अगर आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो तो आपको जेल भी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ट्रेन के मामले में अगर आप ई टिकट वगैरह बुक करते हो ऑनलाइन, तो आप वहां पर जाके बुक कीजिए तो आपको पैसा कम पड़ेगा। तो सरकार ने ये नियम अभी लेके आए हैं जो सबके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।